क्या बिग बॉस के इस कंटेस्टेंट को मिला भाईजान का ऑफर? क्या सलमान ने चुराई दूसरी फिल्मों की स्क्रिप्ट? सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज, और मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट स्वाति तिवारी। तो कैसे हैं भाईजान के भाई लोग? हम जानते हैं कि आप सब इंतजार कर रहे हैं अपने भाईजान की आने वाली फिल्म का, जिसकी अभी तक शूटिंग भी शुरू नहीं हुई है। पर कोई बात नहीं, तब तक के लिए उस फिल्म से जुड़ी कुछ एक्साइटिंग खबरों पर हम बात तो कर ही सकते हैं ना। तो दबंग खान की आने वाली फिल्म कभी ईद कभी दिवाली इस साल ईद पर रिलीज होने वाली है। ये फिल्म दर्शाती है हिंदू और मुस्लिमों के बीच की एकता को। फिल्म में सीरियस नोट के साथ साथ कॉमेडी का तड़का लगने वाला है, क्योंकि जहां पर भाईजान है वहां पर मस्ती तो होती ही है। उनके साथ नजर आएंगी साउथ फिल्म इंडस्ट्री की टैलेंटेड एक्ट्रेस पूजा हेगड़े, जो इन दिनों अपनी फिल्म राधे श्याम और बीस्ट की शूटिंग पूरी कर चुकी हैं और इस फिल्म के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पूजा का लुक, उनका एटीट्यूड और स्मार्टनेस की वजह से ऑडियंस में उनका क्रेज बढ़ चुका है। सिर्फ क्रेज ही नहीं बढ़ा है, बल्कि उसके साथ साथ उनकी डिमांड भी बढ़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उनकी फीस को लेकर। कुछ खबरों के अनुसार उन्होंने इस फिल्म के लिए तगड़ी फीस ली है, या यूं कहिए कि बाकी स्टार से दुगना तिगना ऑफर मिल चुका है। उनकी ये डिमांड तो बढ़ने ही वाली थी, क्योंकि उन्होंने कई बड़े चेहरों के साथ काम किया है, जैसे कि हाल ही में प्रभास और विजय थलापति थी के साथ मिलकर एक के बाद एक धमाके किए हैं, और उनके फिल्म के गाने वीडियोस इतने ट्रेंड हो रहे हैं कि बस पूछो मत। इससे पता चलता है कि उनका क्रेज और पॉपुलैरिटी कितनी ज्यादा है। मतलब सलमान के साथ काम करने के लिए एक्साइटेड रहने वाली पूजा उनसे भी आगे निकल चुकी हैं। वैसे फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बस पूजा के लिए ही नहीं, पर उन्होंने बाकी चीजों पर भी पानी की तरह पैसा बहाया है। अब देखिए ना, कभी ईद कभी दिवाली साउथ सुपरस्टार अजीत की फिल्म विरम का रीमेक है। इसका मतलब उसके राइट्स खरीदने के लिए भी काफी बड़ा अमाउंट देना पड़ा होगा। पर ये पहली बार नहीं है, सलमान की ज्यादातर फिल्में रीमेक ही होती हैं, इसलिए ऑडियंस का ये भी कहना है कि किसी का आइडिया तो चुराया ही है। बस इस फिल्म में एडिटिंग करके चेंजेस करके फिल्म दिखाई जाएगी। सलमान का नाम सिर्फ फिल्मों से ही जुड़ा नहीं है, टेलीविजन दुनिया का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस से भी उनका खासा कनेक्शन है। सीजन 13 के रनर अप हैंडसम हंग आसिम रियाज को आप जानते हैं ना, जो बैक टू बैक म्यूजिक वीडियोस करके फैंस को एंटरटेन कर रहे हैं। उनसे एक इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि क्या उन्हें भाईजान से ऑफर मिला है इस फिल्म के लिए, तब तो उन्होंने धीरे से ना कहा, पर बार बार स्माइल देकर वे यही कह रहे थे कि सरप्राइज को सरप्राइज ही रखते हैं ब्रो। वैसे उन्हें ये ऑफर तो मिलना ही था, क्योंकि जो भाईजान को पसंद आ गया मतलब उसकी लाइफ सेट है। अब देखते हैं कि कब सलमान हमें एंटरटेनमेंट की बिरयानी खिलाते हैं। क्या सच में सलमान का करियर सिर्फ रीमेक्स पर चल रहा है? ये सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। आप सभी तब तक खुश रहें, सेफ रहें, और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।